हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो पीछे एकदम से, और मैंने हेलमेट निकाल के एकदम आ गया। हे गाइस, हम आ चुके हैं रामनगर, और ये है रामनगर टू गर्जिया वाला रास्ता, और ये जो लोकेशन है वो है आम डंडा वाली लोकेशन। और ये रास्ता जो है बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे पेड़ हैं चारों तरफ और नेचुरल वाइब आती है चारों तरफ से, क्योंकि यहाँ पे हवा भी जो बिल्कुल है नेचुरल चलती है। और यहाँ आपको जानवर भी देखने के लिए मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ से हो जाता है पहाड़ों वाला रास्ता स्टार्ट। और गाइस बहुत अच्छा है, यहाँ पे म्यूजिक सुनते हो आप आराम से जा सकते हो। पेट्रोल डलवाते हुए कौन सी पेट्रोल डलवा रहे हैं? कितने का रुपए का डल चुका आप तक से पेट्रोल? 620 रुपए और 50 पैसे। और हमने अपने सुपर स्प्लेंडर में कितना डलवाया? मात्र 500 रुपए का पेट्रोल। तो गाइस पेट्रोल डलवाने के बाद हम चल चुके हैं फिर से, और ये आप देख रहे होगे यहाँ पे सारे रिसोर्ट हैं साइड में, और उसके पीछे काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पे जितने भी रिसोर्ट हैं सब रिवर साइड इन है, मतलब सबके पीछे रिवर है, तो रिवर साइड वाले रिजॉर्ट्स हैं। और ये पहला रिजॉर्ट पड़ता है जब हम गर्जिया जाते हैं रामनगर से, द बाइल क्रस्ट, और बाकी सारे यहाँ पे सारे रिजॉर्ट्स हैं। और यहाँ पे आप गेम्स वगैरह भी काफी खेल सकते हैं, और ये सामने आपको पहाड़ दिख जाते हैं, अच्छे अच्छे व्यू दिख जाते हैं। गाइस तो मैं अभी आ रहा हूँ पहाड़ों में रामनगर से थोड़ा सा ऊपर, तो ये गर्जिया वाली रास्ता पड़ती है ना, गर्जिया से थोड़ा साइड में आ रखे हैं। आप अगर आए हो के गर्जिया तो आपने देखा होगा, तो ये देखो पीछे फोटोग्राफी और फोन से फोटोग्राफी चल रही है। तो मैं यहाँ पे नीचे का एरिया दिखाता हूँ, खाई से आए तो ये देखो, ये जहाँ यक्ष खड़ा है, यक्ष नीचे। अरे भाई यहाँ से अगर गिरे ना तो पता नहीं मिलना है भी नहीं मिलना, नहीं मिलना है। भाई बहुत खतरनाक खाई है जैसे। व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर सनी एंड वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज हम अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, मतलब बहुत बहुत ऐसी अच्छी जगह दिखाने वाला हूँ मैं आपको, जो आपने शायद ना देखी हो या फिर देखी भी होंगी तो तब भी मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो देखते रहो और इन्जॉय करते रहो और आगे बढ़ते रहेंगे। तो गाइस पहले तो यही रोड देख लो कि ये शूट के लिए कितनी अच्छी है, मतलब ये देखो यहाँ पर अगर रील्स वगैरह हम या कुछ भी शूट करते हैं, फोटो शूट करते हैं, तो गाइस दिस इज एपिक। और ये अभी आर्यन फोटो शूट करा रहा है अपना, और मतलब चारों तरफ पहाड़ से हैं, इधर देखो कार वगैरह आ रही है तो कितनी अच्छी सी लग रही है। तो ये है, और ये इधर पुल है, तो पुल का आपको नीचे का दिखाता हूँ एरिया। ये पुल है गाइस, और सामने बादल, तो ये है बहुत खतरनाक, और वो ऊपर फोटो शूट करा रहे हैं, और अच्छा एरिया है। तो गाइस फर्स्ट लोकेशन के बाद हम आ चुके हैं, थोड़ी सी आगे और जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या क्या अच्छी अच्छी लोकेशन मिलती है। और ये आप देख रहे हो कि कितने अच्छे व्यू है, ऐसे मोड़ मुड़ रहा है और फिर से ऐसे ही घूमेगा मोड़। और ये इधर स्कूटी लेके खड़े हैं शूट करते हुए, और इधर भी काफ़ी लोग शूट करने के लिए रुकते हैं। और ये देखो पेड़ चारों तरफ, मतलब पहाड़ है ना, ये पहाड़ों के अंदर हम घूमते हैं तो ऐसे ही लंबे लंबे पेड़ मिलते हैं, क्योंकि अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो ऐसे जंगल टाइप होते हैं सारे ये। और काफ़ी अच्छी रोड्स बनी हुई हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है। आप जैसे कि ब्लॉग में देख रहे हो, ब्लॉग में देख के आपको अच्छा लग रहा होगा, सोचो अगर आप रियल में वहाँ पे हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो पहाड़ों में ऐसे ही अच्छे अच्छे व्यू मिलते हैं। तो गाइस यही है अपने नेचुरल लोकेशंस, और आगे भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाने वाला हूँ, तो ब्लॉग में बने रहें। और गाइस अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं या फिर किसी चीज़ में, तो आपको घूमने ज़रूर आना चाहिए, वीकली या फिर मंथली तो घूमने ज़रूर ही आना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे पहाड़ों में या फिर आपको जो भी जगह पसंद हो ऐसे घूमने ज़रूर आना चाहिए आपको। और गाइस ब्लॉग में बने रहो और ऐसे ही व्यू इन्जॉय करते रहो, और आगे आप को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं हम सुल ब्लॉग के द्वारा। तो गाइज प्लीज़ से ब्लॉग के अंदर बने रहें और ब्लॉग का इंजॉय लें। तो गाइस ये है गर्जिया टेंपल वाली रास्ता, जो कि अभी पूरी बैरियर लगा के इन्होंने बंद कर रखी है लॉकडाउन के दौरान। और गाइस किसी भी लोकल या किसी भी बाहर के टूरिस्ट को किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है यहाँ पे। जो भी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं वो सारे सीधे जा रहे हैं या फिर अपना रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं, वहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि रिजॉर्ट वगैरह ही खुले हैं। और यहाँ पर हम भी सोच रहे हैं कि हम जाएँ, और ये सामने पुलिस चौकी है, लोग कुछ लोग वहाँ बात करने के लिए भी खड़े हैं, लेकिन नहीं जाने। अभी हम गए थे मतलब गर्जिया वाले रास्ते पर, तो वो रास्ता पूरा बंद निकला है पूरी तरीके से, और अभी हम यहाँ खड़े हैं, उससे आगे आके देखो पीछे पहाड़ है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। और अभी देखते हैं कोई दूसरा रूट जो कहीं आगे से हमें मिल जाए, जो हमें नदी पे ले जाए, तो वहाँ का अगर आपको व्यू दिखाना। देखो हम आपके लिए कितनी मतलब कितनी मेहनत करते हैं यार,
मतलब व्यू दिखाने के लिए, और मैं लॉकडाउन में भी आपके लिए घूम ही रहा हूँ। और हेलमेट पहन के देखो पूरी हालत बेकार हो चुकी है, आते आते पूरी हालत बेकार हो चुकी है। हम वहाँ से 1 बजे निकले थे मुरादाबाद से, 1 बजे, और उसके बाद है यक्ष कितनी हालत खराब हो गई भाई, चला चला दे पूछो मत, बहुत ज्यादा एकदम क्या है, मतलब रूट भी क्या है ऐसा था, और फिर गर्मी इतनी ज्यादा, धूप वगैरह ना बहुत ज्यादा। अपनी सुपर स्प्लेंडर और एक स्कूटी अपने साथ है, और क्या रिन क्या पता लगा वहाँ से, तो गाइस हम उधर सभी आ रहे थे तो हमें मिला जंगली हाथी, और हम यहाँ पर रुक गए इसकी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी देखो उधर भी कोई नहीं ना इधर कोई है, और देखो पूरी रोड खाली है, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा जाम सा लग जाएगा क्योंकि अभी रोड पे आ जाएगा। और गाइस मतलब पूरा डेंजर है ना, काफ़ी ज़्यादा एकदम, देखो पूरा इसके ऊपर भी कितनी गंदगी सी लग रही है, क्योंकि ये है जंगली हाथी ना ये कोई। तो गाइस अभी मिला है हमें जंगली हाथी, और जैसे हम अभी रास्ते में आ रहे थे पीछे एकदम से, और मैंने हेलमेट निकाल के एकदम आ गया, काफी तगड़ा है सीन पीछे, और देखो इधर पूरा जाम लग चुका है, उधर भी पीछे की साइड और इधर भी पीछे की साइड पूरा जाम सा लग चुका है। और ये देखो क्या कर रहा है, इधर भी पूरा जाम सा लग चुका है। तो गाइस हाथी से बचने के बाद और हाथी को देखने के बाद और हाथी की वीडियो बनाने के बाद हम आ गए इतने अच्छे व्यू पर, जो कि आप ये व्यू देख रहे हो। तो गाइस ये इसके अंदर हम नहाने की अब पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं पहले से ही, तो हमने सोचा ये घर में भी काफ़ी लगी रही है, इतने सारे लोग नहा रहे हैं तो हम भी क्यों ना नहाएं। और ये इधर से पानी जाता है जो डैम वाला पानी है, तो इधर से आपको काफ़ी गंदा लग रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी सारी जमी हुई है, और उधर से मतलब उधर को अगर आ रहा है तो साफ सा पानी आ रहा है, तो ऐसा तो होता ही है नदी में। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे और नीचे जाके नहाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ उधर की साइड, नीचे आ चुका हूँ पुल से, पहले मैं पुल की साइड था, अब नीचे आ चुका हूँ। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा है, काफ़ी मस्त है एकदम, और सारे लोग नहा रहे हैं काफ़ी सारे लोग, और ये ऊपर खड़ा है, और अब हम चलते हैं नहाने की ओर। तो गाइस ये जाते हैं अब आगे, सामने हम जाएंगे वहाँ पर अपने कपड़े वगैरह उतार के और नहाते हैं। तो गाइस यहाँ से आप देख ही रहोगे कितना अच्छा व्यू आगे बढ़ता जा रहा है जितनी आगे हम जाते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो स्लेयर सी जो बनी हुई है तो ये काफ़ी अच्छा व्यू बनाती हैं, और ये अंडर वाटर शॉट्स लेंगे हम अभी। और गाइस ये देखो पानी के अंदर फ़ोन चला गया है, पूरा अंडर वाटर शॉट्स आ रहे हैं तगड़े, हम नहाना स्टार्ट कर दिया है हमने, और काफ़ी देता है फ़ोन, काफ़ी अच्छा साथ देता है, ऊपर में देख रहा था कौन आवाज़ दे रहा है, तो इसके भी मैंने अंडर वाटर शॉट लिए हैं। ये है अंश, और ये देखो गाइस हम रुक गए हैं नहाने के लिए, और अभी हम यहाँ पे नहा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ का, देखो पीछे पूरा तगड़ा सिस्टम है, और अपना फ़ोन तो हैवी वाटर रेजिस्टेंट, तो ये देखो यक्षगान। और अब हम कर रहे हैं मस्ती पूरी नहाते टाइम, ये देखो आर्यन देखो कैसे कैसे पानी वानी फेंक के मारे जा रहे हैं हमारे ऊपर, और मैं इनसे अलग हट के फिर से पानी के अंदर फोन गया, और ये देखो पता नहीं कैसे कैसे ये इसके ऊपर पानी, कभी कुछ कभी कुछ, तो पूरी मस्ती चल रही है नहाते वक्त एकदम बढ़िया तरीके से। और नदी में नहाने हम हो चुका है पूरा रेडी, और ये देखो आर्यन देखो कैसे पता नहीं क्या क्या, इसका हर बार कुछ ना कुछ खो जाता है, जैसे कि आपने पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा, कभी चार्जर तो कभी लेंस कभी कुछ, अभी पता नहीं क्या करा मेरा नेकर हो गया था ना क्या हो गया। आपने ऑसम वाला व्यू तो देख ही लिया होगा, जैसे कि एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, और अंडर वाटर शॉट्स आपने काफ़ी सारे देखे होंगे हमारे। तो अगर गाइस आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ से लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे भी मैं अपडेट्स आपको दूंगा। तो अभी आगे भी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग, और ये आर्यन फोटो शूट पता नहीं कैसे यार फोटो शूट ही कराता रहता, और ये देखो कैसा है इधर का, मतलब एकदम कट रखा है ये, क्योंकि ऐसा पानी भर जाता है यहाँ पे। और अब वो रिया घर जाने की तैयारी, और ये देखो यक्ष भाई पोज देते हुए हैं शाहरुख खान वाला, और अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं अमेजोन के जंगलों से बाहर निकलते हुए तगड़े तरीके से, और ये देखो सामने का व्यू भी अच्छा है एकदम से बढ़िया, उधर अपनी बाइक खड़ी है सुपर स्प्लेंडर, और ये देखो सामने ये देखो पीछे कितना अच्छा ग्रीनरी है,
एकदम बढ़िया। और यहाँ पर बाइक खड़ी कर रखी है और इधर सारा है मस्त एरिया। तो चलते हैं, पुलिस की आवाज़ आ रही है पीछे से, एकदम पुलिस आने वाली है, लॉकडाउन वाला समय चल रहा है। तो गाइस चलते हैं कहीं खाते हैं कुछ। सो गाइस, तो अभी खाने के लिए रुके हैं और काफ़ी हालत बेकार हो चुकी है, जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब थकल से भी लग रहा होगा कि हाँ सुबह कैसे गए थे और अब कैसे आ रहे हैं। तो काफ़ी हालत बेकार हो चुकी है उस तब से। और अभी देखते हैं कि खाने के लिए क्या ऑर्डर करा है। स्टेशन के सामने हमें अभी एक ढाबा टाइप खुला मिला है, तो अभी देखते हैं क्या है खाने के लिए यहाँ पे और दिखाते हैं आपको भी। गाइस अभी हमने ये मंगा लिया, क्या है, काली मिर्च का पनीर मंगाया है और ये रोटी है। तो हे गाइस, अब हो चुकी हमारी पेट पूजा, मतलब पेट पूरा भर चुका है। तो हम जा रहे हैं घर पर, अपने घर जाके अब सोना ही है क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में बताना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और ये है मुरादाबाद का स्टेशन अगेन, काफ़ी सारी वीडियो हमने दिखा रखा है पहले भी। तो गाइस प्लीज़ से सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है अभी आपके। और कमेंट में बताना कि और कैसी कैसी वीडियो बनाऊँ आगे। और गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही, तब तक के लिए बाय।